नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख के पहचान चुके होंगे, आज हम लोग एक और जीके की ट्रिक पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये ट्रिक पसंद आई होगी और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये ट्रिक पसंद है तो जो भी आपके कमेंट्स हो, जो सजेशंस हो, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कार्नेटिक वॉर्स के बारे में, जिसके बारे में आज ये टॉपिक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कार्नेटिक वॉर है, टोटल 3 कार्नेटिक वॉर हुई थी, ठीक है। और ये किस किस के बीच में हुई थी? इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में हुई थी, जिनको कहा जाता है कार्नेटिक वॉर्स। तो पहली कार्नेटिक वॉर जो हुई थी 1746 से लेकर 48 तक हुई थी, दूसरी हुई थी 1749 से 54 तक, और तीसरी हुई थी 56 से 63 तक। तो पहली कब तक हुई थी? 46 से 48, 1746 से 1748, दूसरी हुई थी 1749 से 1754, और तीसरी हुई थी 1756 से 1763। अब इसको इसमें अलग अलग ट्रीटीज़ हुई थी। पहली कार्नेटिक वॉर में जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम था एक्स ला चैपले ट्रीटी हुई थी पहली कार्नेटिक वॉर में, दूसरी में हुई थी ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, और तीसरी में हुई थी पेरिस की ट्रीटी। तो पहले ट्रीटी का नाम था एक्स ला चैपले, दूसरी का था पांडिचेरी, और तीसरी थी पेरिस की। तो पहली जो ट्रीटी हुई थी ये हुई थी 1748 में, पहली हुई थी 1748 में, दूसरी हुई थी 1754 में, और तीसरी हुई थी 1763 में। तो इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक यही है कि इसको हम लोग याद करेंगे APP। ए से है एक्स ला चैपले, पी से है पांडिचेरी, और दूसरा पी से है पेरिस। जबकि जो ईयर है वो है 48, 54 और 63। ये 3 ईयर याद रखने हैं, 48, 54 और 63, इन तीनों ईयर में जो है ट्रीटी हुई थी। तो ईयर से एक बार फिर से याद करते हैं, ईयर का नाम है 48, 54 और 63, जिसमें जो पहला ईयर है वो है 1748, दूसरा है 1754 और तीसरा है 1763। पहली ट्रीटी हुई थी एक्स ला चैपले, दूसरी ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, और तीसरी हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो टोटल 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई थी, किसके बीच में? इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में। पहली का जो ड्यूरेशन था वो था 1746 से 48, दूसरी का था 1749 से 1754, और तीसरी का था 1756 से 1763, जिसमें जो पहली ट्रीटी थी उसका नाम था एक्स ला चैपले, यानी ए से था, दूसरी का था पी से, यानी कि पांडिचेरी, और जो तीसरी थी वो थी पेरिस की ट्रीटी। तो पहली का ईयर जो है 1748 है जब हुई थी, दूसरी हुई थी 54 में, और तीसरी हुई थी 63 में। 48, 54 और 63। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देख लेते हैं इसके अलावा। तो बैटल ऑफ हेडास्पस जो हुई थी, ये अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी, ये हुई थी 326 BC में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निक्टर को हराया था 303 BC में। कलिंगा वॉर हुई थी 262 BC में। कलिंगा वॉर जो हुई थी ये हुई थी 262 BC में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराया था 320 BC में। तो पहली जो बैटल है वो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को कब हराया था? 320 BC में। बैटल ऑफ हेडास्पस हुई थी 326 BC, कलिंगा 262 BC, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निक्टर को हराया था 303 BC में। तो ये कुछ एंशियंट बैटल्स हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जामों में आती हैं। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कार्नेटिक वॉर्स की ट्रीटीज़। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो जो भी आप लोग के सजेशन हैं, कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।